नमस्कार दोस्तों, एस के हाउस प्लान्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमने आप सभी के लिए बेस्ट फेसिंग रेगुलर शेप हाउस प्लान डिजाइन किया है। ये एक बेस्ट फेसिंग प्लॉट है और इस प्लॉट का रेगुलर साइज है और इसमें प्लॉट में वन साइड रूट और थ्री साइड अदर्स प्रॉपर्टीज है। दोस्तों, प्लॉट का एरिया है 1062.5 स्क्वायर फिट, 98.7 स्क्वायर मीटर। आइए प्लान देखते हैं। ये बेस्ट साइड है और इधर प्लॉट का साइज 19 फिट 8 इंच है। दूसरी साइड 52 फिट है और ये साइड 54 फिट है और यहाँ से यहाँ तक ये 17 फिट 8 इंच है और यहाँ से यहाँ तक 8 फिट है और ये 18 फिट है यहाँ से यहाँ तक और इस साइड में ये 18 फिट 4 इंच और ये 18 फिट साइड है। तो ये एक इरेगुलर प्लॉट है और इसे आइए अब देखते हैं। ये रोड साइड है, यहाँ पर हमने मेन गेट डिजाइन किया है। इस साइड प्लॉट का साइज 19 फिट 8 इंच और यहाँ पर मेन गेट है 9 फिट वाइड। ये हमारा पार्किंग एंड स्टेयर्स का एरिया रहेगा 9 फिट वाई 7 फिट 10 फिट 8 इंच। इसमें 9 फिट यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइड और 17 फिट 8 इंच यहाँ से यहाँ तक ये साइड रहेगी। यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स रहेंगी और यहाँ से हम ऊपर की पोर्शन में जा सकते हैं। ऊपर का पोर्शन रेंट पर्पज़ से उठाना चाहें तो किराएदार यहीं से आ जा सकता है ग्राउंड फ्लोर वालों को बिना डिस्टर्ब किए हुए। ये डोर अंदर लिविंग एरिया में जाने के लिए हैं और एक ये डोर डायरेक्ट लिविंग हॉल में एंटर होते हैं इससे। ये है 12 फिट वाई 12 फिट 6 इंच। लिविंग हॉल का साइज है 12 फिट वाई 12 फिट 6 इंच। इसमें 12 फिट ये साइड और 12 फिट 6 इंच ये साइड है। इस साइड में हमने आर्क प्रोवाइड की है इधर और यहाँ रूम इसके हॉल के वेंटिलेशन के लिए विंडो है। ये लॉबी रहेगी और इस साइड में हमने एक ये बेडरूम डिजाइन किया है 8 फिट 9 इंच बाई 13 फिट। इसमें 8 फिट 9 इंच ये साइड और 13 फिट ये साइड है। रूम के वेंटिलेशन के लिए रोड साइड पे विंडो रहेगी और ये इसका डोर रहेगा। इस साइड में हमने बाथरूम डिजाइन किया है, ये है 4 फिट बाई 6 फिट का। इसमें 4 फिट ये साइड और 6 फिट ये साइड है। बीच में OTS डिजाइन किया है जिससे इसके पूरे एरिया के लिए वेंटिलेशन मिलता रहे और यहाँ पर इसका वेंटिलेटर बाथरूम का इस साइड रहेगा। और WC है 4 फिट बाई 6 फिट का, जिसमें 4 फिट ये साइड और 6 फिट ये साइड है। इसको भी यहाँ पर इसका ये वेंटिलेटर रहेगा। और यहाँ हमने पूजा घर डिजाइन किया है 5 फिट बाई 4 फिट का, इसमें 5 फिट ये साइड है और 4 फिट ये साइड है। यहाँ पर हम बैठ के आराम से पूजा कर सकते हैं। ये हमारा किचन रहेगा साउथ ईस्ट में 7 फिट 6 इंच बाई 11 फिट। इसमें 7 फिट 6 इंच ये साइड है और 11 फिट ये साइड है। और यहाँ पर हम अपना गैस स्टोव रख लेंगे तो वास्तु के अकॉर्डिंग खाना बनाने के वाले का पूरब की तरफ होना चाहिए। तो हमने इस तरह से डिजाइन किए वर्किंग स्लैब और ये रेफ्रिजरेटर रहेगा इस साइड में और यहाँ ये किचन के वेंटिलेशन की ये विंडो रहेगी। ये हमारा डाइनिंग एरिया रहेगा 9 फिट बाई 11 फिट का। इसमें 9 फिट ये साइड और 11 फिट ये साइड है। पीछे की साइड में हमने एक ये 10 बाई 3 का यहाँ पर एक जाल डाला है तो इससे पूरे एरिया के लिए वेंटिलेशन मिलता रहेगा और इस रूम को भी यहाँ डाइनिंग हॉल को भी यहाँ से वेंटिलेशन मिलता रहेगा और ये डोर यहाँ अंदर आने के लिए इसे एज ए वॉश एरिया भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये हमारा बनाया हुआ हाउस प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएँ। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।